हेलो फ्रेंड, दिस इज़ MH। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल गेन में से कौन कौन से एग्जेम्पशन मिलते हैं। तो एज़ ऑफ TY BCom लेवल पे आपको दो ही एग्जेम्पशन है, एक है सेक्शन 54 और एक है सेक्शन 54EC। इसका ये मतलब है कि आप जब कैपिटल गेन निकाले, अभी आपने लास्ट दो वीडियो में देखा होगा कि कैपिटल गेन हम लोग ने निकाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया आया कि नहीं आया। अब उसका लॉजिक क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एकदम सिंपल बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी बेचा, एक मोटा मोटा हिसाब लेते हैं, 100 रुपये का प्रॉपर्टी बेचा, बराबर है। वो प्रॉपर्टी आप समझो कोई एरिया में रहते हो, वो आपको जमा नहीं, उस एरिया में रहना आपको जमा नहीं, तो आपने वो प्रॉपर्टी 100 रुपये का बेच के आपने कहीं और ले लिया किसी दूसरे एरिया में, तो 100 रुपये में और 20 रुपये आपने अपनी तरफ से डाला और 120 का प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया। आपके पास अब पैसा कितना बच रहा है बेचने के बाद? वापस से सुनो क्वेश्चन। एग्जाम्पल, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी था, एक फ्लैट था, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में था, आपने उसको 100 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा? 100 रुपये में। ये सिर्फ ऐसे मोटे मोटे हिसाब के हिसाब से समझेंगे। 100 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये आपके पास आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब आपने क्या किया, वो 100 रुपया लेके, अब घर नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, दूसरा घर खरीदोगे ना, क्योंकि वो एरिया आपको नहीं जम रहा था। तो आपने क्या कर लिया, वो 100 रुपीज़ लिया जो आपको मिला था, प्लस 20 रुपया आपने अपनी जेब से और डाला, 120 हो गया। 120 का आपने क्या किया, दूसरी जगह पे फ्लैट ले लिया। तो 120 रुपये आपने पूरा खर्चा कर दिया, आपके पास बचा कितना, अभी आपके पास 0 बचा, और 20 रुपये आपने जेब में से डाल दिया, है ना। अब गवर्नमेंट, अब आपने कैपिटल गेन निकाला, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो कुछ 11 लाख रुपये आ रहा था, है ना। तो समझो आपको सब काट फिट के 100 में से 60 रुपये कैपिटल गेन आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 60 रुपये कैपिटल गेन है, 60 पे अगर आप टैक्स भरोगे, राइट, समझो आपने 30% भरा टैक्स, तो 60 पे 30% कितना होता है, कितना होता है 60 पे 30%? 18 रुपये आता है। तो 18 रुपया आपको टैक्स भरना है। अभी आपके पास पैसा कितना है? आप बोलेंगे, अरे सर मैंने तो 100 रुपये का फ्लैट बेचा था, उसमें 20 रुपये अपने जेब से डाल के मैंने 120 का खरीद लिया, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं टैक्स कैसे भरूँ? और वो टाइम पे आपको 18 रुपया भी भरना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, और जितना पैसा आपको कैपिटल गेन से मिला था वो पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो आप बोलेंगे सर मैं कहाँ से भरूँ, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं आपको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। और सही सी बात है कि आपने फ्लैट बेचा है और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो आप कहाँ से दोगे? तो गवर्नमेंट ने भी बोला यार जेन्युइन प्रॉब्लम तो है, अब उस बंदे के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन उससे अगर हम लोग कैपिटल गेन मांगेंगे तो वो फिर कहाँ से लाएगा, है ना, तो उसको इश्यू आएगा। तो दैट्स वाई फिर उन्होंने एक सेक्शन निकाले। अभी TY लेवल पे हम लोग को दो ही है, तो दो के हिसाब से 54 एंड 54EC। तो 54 क्या बोलता है, सेक्शन 54 बोलता है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। ये सिर्फ ये साल के लिए है, असेसमेंट ईयर 2020-21। तो अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस को बेचा और उसके ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ, तो हम लोग कुछ आपको एग्जेम्पशन देंगे, कुछ उसमें से डिडक्शन करने को देंगे। क्या होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, सेक्शन 54 इज़ एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी को एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉर्म को एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी को नहीं। आया समझ में? नेक्स्ट, सेक्शन 54 इज़ अवेलेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चन किया वो सब लॉन्ग टर्म था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही 54 एप्लीकेबल है। शॉर्ट टर्म है तो 54 आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 54 माइनस करने नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल हाउस शुड बी सोल्ड। रेजिडेंशियल हाउस जो है उसको आपने लिटरली बेचा है, तभी ये 54 सेक्शन मिलेगा, आपको उसको बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल हाउस मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म। ये तो सिंपल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मिल रहा है, तो रेजिडेंशियल हाउस भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब उस हाउस को आपने 24 महीने से ज़्यादा तक यूज़ करके फिर बेचा हो, यानी वो हाउस को आपने खरीदा, 24 महीने से ज़्यादा यूज़ किया, उसके बाद आपने उसको बेचा, तो ही ये एप्लीकेबल है। एनी इनकम फ्रॉम सच रेजिडेंशियल हाउस शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक चैप्टर है, वो हम लोग देखेंगे।
इनकम फ्रॉम इस हाउस से अगर आपको कोई इनकम पहले मिलती भी होगी तो वो इनकम को किधर टैक्स करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये कुछ कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। इंडिविजुअल एचयूएफ को ये एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, हाउस को बेचना चाहिए और उससे जो भी इनकम आती थी पहले वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो दिया है, वंस द एसएससी एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ही परचेज वन हाउस अंडर दिस ऑप्शन। अभी जैसे उसने बोला है कि ये कैपिटल गेन में रेजिडेंशियल हाउस और आपने कोई हाउस परचेज कर लिया, और अगेन इफ ही सेल दिस हाउस ही कैन नॉट यूज़ द सेम सेक्शन ऑन द दिस हाउस। मतलब एक घर बेचने के बाद आपने दूसरा घर खरीदा, वो दूसरा घर फिर बेच के आप तीसरा घर खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जो घर आपने बेच के खरीदा होगा एक ही बार मिलेगा, मीन्स यू गॉट दिस, यू कैन नॉट गेट दिस एग्जम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, इफ एस एस सी इज नॉट इन्वेस्टेड अमाउंट विद इन टाइम एज मेंशन इन दिस सेक्शन बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, देन ही हैज़ टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन सी जी ए एस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इन ऑर्डर टू गेट एग्जम्पशन। अभी हो सकता है कि आपने इतना जल्दी आपने घर नहीं खरीदा हो तो आपके पास पैसा पड़ा हो, तो अगर लेकिन आपको टैक्स तो भरना ही पड़ता है, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो पूरे के ऊपर जितना भी कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने अभी तक फ्लैट नहीं खरीदा या प्रॉपर्टी नहीं खरीदा है तो उस पैसे को एक अकाउंट में डालो, सी जी ए एस अकाउंट में, तब आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, वरना टैक्स भरो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल गेन, अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया था, अपने लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था 60 आया था, 60 पे 30% कितना हो रहा था, कितना हो रहा था, कितना हो रहा था, 18 आ रहा था ना, तो 18 पे टैक्स देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे दिखा दो कि नहीं मैंने फ्लैट खरीद लिया और माइनस कर दिया तो जीरो हो जाएगा, और जीरो पे टैक्स आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन आपने फ्लैट खरीदा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर नहीं खरीदा है तो जितना पैसा आपके पास कैपिटल गेन का उसको इन्वेस्ट करके रखो, उसको अकाउंट में डिपॉजिट करके रखो, तो वो पैसा हम लोग माइनस करने देंगे, चाहे आपने फ्लैट परचेस किया हो चाहे फ्लैट नहीं परचेस किया हो। तो अकाउंट में डिपॉजिट किया तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, या तो परचेस कर लो तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट दिया है, इफ़ द न्यू हाउस वॉज सोल्ड विद इन 3 ईयर्स, अगर आपने नया घर खरीदा और उसको 3 साल के अंदर ही बेच दिया तो जितना आपको एग्जेम्पशन मिला था वो पूरा का पूरा वो साल में टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में आपने उसको बेचा। मतलब क्या है, आपने एक घर खरीदा, एक घर बेचा था 100 रुपये में, फिर आपने 120 का खरीद लिया था ना, फिर 120 को 3 साल के अंदर ही अंदर बेच दिया, तो जितना आपको माइनस करने मिला था ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिडक्शन के तौर पे, एग्जम्पशन के तौर पे, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में आपने नए घर को बेचा। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप बढ़ते इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, कितना अमाउंट का एग्जम्पशन मिलेगा, मीन्स हाउ मच अमाउंट यू कैन माइनस फ्रॉम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54। तो कितना, देर इज़ नो लिमिट, देर इज़ नो लिमिट, अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहला रेस्ट्रिक्टेड है, पहला द इफ़ द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, आपने जो नया घर खरीदा है, हाउस और हाउसेस, अगर लेस देन और लेस लेस सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म अभी अपने क्वेश्चन में 60 था और खरीदा कितने में, 120, तो ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट आ जाएगा, बड़ा है ना। अगर नए घर का वैल्यू बड़ा है आपके कैपिटल गेन से तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब 60 में से 120 नहीं माइनस करने का, 60 में से 60 ही माइनस करने का, समझ में आया। तो जितने पैसे में आपने नया घर खरीदा वो नया घर का जो वैल्यू होगा अगर वो ज़्यादा है आपके कैपिटल गेन से या बराबर भी है तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अगर कम है, नेक्स्ट वाला इज लेस देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जितना भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। आया समझ में। तो यहाँ पे जो दिया है ना, ये लेस देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, समझो आपको लास्ट एग्जाम्पल में 60 आया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपने नया घर खरीदा 50, तो 60 में से 50 ही माइनस करने का, 10 पे टैक्स देने का। लेकिन 60 आया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और खरीदा कितने में, 120 में, तो पूरा का पूरा 60 माइनस हो जाएगा, माइनस में आंसर नहीं आता कैपिटल गेन में, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस और हाउसेज अगर ज़्यादा है या इक्वल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कम है नए घर का वैल्यू, तो जितना कम वैल्यू है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का उतना माइनस होएगा। तो ये एग्जाम्पल याद रखो ना, 60 कैपिटल गेन आया था ₹60, आपने इन्वेस्ट किया 120, तो पूरा 60 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 40, तो 40 माइनस करने का तो 20 पर टैक्स आएगा। आया समझ में? बाकी हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको बार बार रेफर करो तो दिमाग में बैठ जाएगा, और कुछ भी डाउट आएगा तो यू कैन कमेंट। ओके, नेक्स्ट, टाइम लिमिट कब तक कर सकते हैं हम लोग? अब इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और कितनी प्रॉपर्टी में करना है? तो मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी है, मिनिमम वन है, एक में करो दो में करो, तो और टाइम लिमिट के साथ है। तो अभी देखो, पहला, इफ़ कैपिटल गेन एक्सीड ₹2 करोड़, आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था ना अभी, दो क्वेश्चन पीछे किए, आप वीडियो है वो रेफर करो, तो 2 करोड़ के ऊपर अगर गया तो आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को मिलेगा, ओनली वन। आया समझ में? तो आपका कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ के ऊपर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो एक ही प्रॉपर्टी है, तो आप समझ जाओ। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ के नीचे है तो कितना प्रॉपर्टी मिलेगा? 2। ये थोड़ा उल्टा टाइप में दिया है लेकिन ऐसे ही याद रखने का। 2 करोड़ के ऊपर है कैपिटल गेन तो एक प्रॉपर्टी, और 2 करोड़ के नीचे है तो 2 प्रॉपर्टी अलाउड है। ठीक है, तो 1 प्रॉपर्टी इज अलाउड। सेकेंड, इफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, इन्वेस्टमेंट ओनली 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया इज अलाउड। तो याद रखना, इंडिया में ही अलाउड है, बाहर नहीं अलाउड है। मैक्सिमम टाइम अब देखना है कब तक हम लोग कर सकते हैं। अब पता चला ना कि भाई एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी, वो पता चल गया। अब ये देखना है कि मैक्सिमम टाइम कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को एक डेट लिखना है, दैट इज डेट ऑफ ट्रांसफ़र, डेट ऑफ सेल, जिस डेट को आपने पुराना घर बेचा। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर आना है, फिर राइट हैंड साइड पर जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ईयर और राइट हैंड साइड पे 2 ईयर, मतलब डेट ऑफ सेल से 1 साल पहले, 1 साल पहले, बिफोर, या 2 साल बाद, दैट इज आफ्टर। आप क्या कर सकते हो? परचेस कर सकते हो। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी परचेस करना है तो या तो सेल करने से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक परचेस कर सकते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि परचेस क्या होता है, जब प्रॉपर्टी परचेस करते हो आप ढूंढते रहते हो, तो जब भी अच्छा प्रॉपर्टी मिला तो बेचने से पहले भी खरीद सकते हो, बेचने के बाद भी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 1 साल पहले खरीद लो या 2 साल बाद खरीद लो। किसके 1 साल पहले, किसके 2 साल बाद? डेट ऑफ सेल से, जिस डेट को आपने प्रॉपर्टी बेचा वो डेट से 1 साल पहले और उस डेट के 2 साल बाद। लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे को परचेज नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर्स, लेकिन 3 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ सेल, इसमें पहले नहीं बोला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको सेल करने के बाद ही मिलेगा। तो सेल करने के 3 साल बाद तक आप कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा डालोगे पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन अप टू दैट एग्जेम्प्शन अमाउंट का मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया। तो याद रखना, मैक्सिमम टाइम लिमिट परचेस का कितना है? 1 साल पहले 2 साल बाद। किसके 1 साल पहले, किसके 2 साल बाद? डेट ऑफ सेल के। और अगर आपको परचेज नहीं करना है तो मैक्सिमम टाइम आप कितने में कंस्ट्रक्शन करना है, तो कितना टाइम ले सकते हो कंस्ट्रक्शन में? तो 3 साल। कब से 3 साल? डेट ऑफ सेल से 3 साल के बाद। ओके, तो ये टाइम लिमिट याद रखना है, ये अमाउंट लिमिट याद रखना है, और कितना है मैक्सिमम? 1 हाउस और 2 हाउस। 2 करोड़ को एक्सीड किया तो 1 प्रॉपर्टी, और 2 करोड़ को एक्सीड नहीं किया तो 2 प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे सेक्शन 54EC नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ये रेफ़र कीजिए, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।